टीवीएस की असलियत जानकर हैरान हो जाओगे। आइसक्रीम टेलीविजन में जो आइसक्रीम होती है वो असलियत में साबुन से बनाई जाती है। साबुन के ऊपर चॉकलेट या कलर की कोटिंग डाली जाती है और फिर उसे सुखाया जाता है और फिर बन जाती है हमारी आइसक्रीम। एड में रियल आइसक्रीम का यूज नहीं किया जाता क्योंकि वो जल्दी पिघल जाती है और एड को शूट करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। बियर के एड में जो ये बियर होती है उसे अगर आप पी लो तो आपके ऊपर जाने की टिकट भी कर सकती है। लेकिन ऐसे कैसे, ये लोग बियर डालने से पहले उसमें शैम्पू डालते हैं क्योंकि शैम्पू डालने से उसमें बहुत ज्यादा झाग पैदा होता है। आमतौर पर जब उसमें बियर डाली जाती है तब उसमें झाग पैदा होता है बट वो ज्यादा देर तक नहीं टिक पाता, पर जो शैम्पू होता है उसका झाग ज्यादा देर तक चलता है और एड शूट करने में आसानी होती है। और ये कई बार बियर के एड शूट करने के लिए पेट्रोल का यूज भी करते हैं क्योंकि पेट्रोल दिखने में ज्यादा कलरफुल लगता है और कोई अगर वो पी ले तो फिर आप ही समझो। हेयर्स प्रोडक्ट्स के एड में ये लोग ग्रीन स्क्रीन का इस्तेमाल करते हैं जो इस तरीके से ग्रीन स्टिक का यूज कर हिलाते हैं और सिंपल एडिटिंग से उसे गायब कर देते हैं। और यहाँ पर वैसे भी लाइटिंग की तो कोई कमी होती ही नहीं है और इसीलिए ये ज्यादा अच्छे लगते हैं। और इन एक्टर को कई स्टाइलर घंटों लगाकर इनके बाल सेट करते हैं। टीवी एड्स में ये कह देते हैं कि इस प्रोडक्ट से ये जादू हुआ है। आपको पता है कि मसाले का एड कैसे शूट होता है? टीवी पर जो मसाला एड्स होते हैं उसमें जो मसाला होता है वो बिल्कुल फेक होता है क्योंकि जो मिर्ची और हल्दी दिखाई जाती है वो सिर्फ कलरफुल पाउडर होता है क्योंकि रियल मसाले उतने ज्यादा ब्राइट नहीं होते। ऊपर से ये लोग सब्जी बनाते हैं उसमें भी ये कलर ही डालते हैं ताकि मसाले से बनी सब्जी अच्छी लगे। और क्या एक्टर भी वही सब्जी को, जो एक्टर होते हैं वो इस सब्जी को खाते ही नहीं, वो तो खाने का नाटक करते हैं क्योंकि ये मसाले खाने लायक होते ही नहीं।